मैंने तो अपने टाइम पे बिजनेस स्टडीज एग्जाम में 200/200 स्कोर किया था। अब तुमने वीडियो पे क्लिक किया है तो एक स्ट्रेटजी चाहिए। अब जितने लिमिटेड डेज बचे हैं उसमें किस तरीके से बिजनेस स्टडीज को कवर करना है, सही जगह आए हो। वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा मैंने ऐसा क्या अलग किया था। बट उससे पहले एक खास पल, रजत अरोड़ा सर से मिलके मैंने उनको जब बताया कि उनके लेक्चर्स की वजह से 200/200 स्कोर में कर पाया, एक मिनट बताने से बेहतर तुमको वो पल दिखाई देता हूँ। आपको मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए अपनी सर्विस में टीवीटी में आपको फॉलो किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस स्टडीज 100/100 टीवीटी आल्सो 100/100 एंड आई जस्ट वांट अ ऑटोग्राफ। ये बहुत प्रीशियस है, संभाल के रखो। यस इसमें नहीं कहीं और बैक पे प्रिंट ऐसा प्रिंट ही है। यस सर मार्क्स कलर प्रिंट। हां बैक पे ये तो तुम्हारी मेहनत है, बताओ कौन पोजीशन। उस पल को देख के खुशी हुई ना, 20 दिनों से भी कम का समय रह चुका है जब तुम लोग सीयूट एग्जाम्स में अपीयर हो रहे होगे। मैं नहीं जानता तुम लोगों ने अभी तक कितने प्रिपरेशन कर लिया, बट इन 20 दिनों में अपनी सारी जान लगा देना जितनी कसर बोर्ड के टाइम पर रह गई थी। अब तुमको सीयूटी के जरिए सेकेंड चांस मिला है, इसको पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करना। आज की इस वीडियो में तो मैं बिजनेस स्टडी की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो होंगी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी स्ट्रेटजीज। तो तुम लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ एक मिनट, अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो मैसेल जितिन कुमार है, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। उसी के साथ साथ आल्सो परसुइंग CA एंड करंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। अब इंट्रोडक्शन हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो प्लीज वापस से एक रिमाइंडर है कि कर दो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताना शुरू करता हूँ कि तुम लोगों को क्या अप्रोच रहना चाहिए बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में 200/200 किस तरीके से स्कोर करने। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो इस सवाल से कि बिजनेस स्टडीज के लिए आखिर प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, मतलब पढ़ना कहाँ से। क्लास 12 यानी कि तुम्हारे स्कूल ने बिजनेस स्टडीज के लिए कौन सी बुक रिकमेंड करी थी, अभी CUET के टाइम पे वो तो तुम भूल ही जाओ। NCERT को इम्पोर्टेंस देना अभी के टाइम पे मस्ट है। एक सबसे बड़ा सवाल मन में आ रहा होगा, भैया हमने तो क्लास 12th में आज तक अभी NCERT उठाई भी नहीं है, क्या इस बचे हुए समय में NCERT करना जरूरी है। एक बात बताऊं, लाइन टू लाइन MCQ बनते हैं NCERT से ही, और ऐसे कई सारे टॉपिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में नजर आए हैं बिजनेस स्टडीज के, जो क्लास 12 की रेफरेंस बुक्स में भी अवेलेबल नहीं थे। मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए NCERT पढ़ने की नसीहत नहीं दूंगा, बट बिजनेस स्टडीज के लिए तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, NCERT को भगवान मान लो। NCERT के बाहर कुछ नहीं आएगा, जो टॉपिक्स मेंशनड है वो तुम्हारी किसी भी रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलेंगे तुमको। प्रैक्टिकली बात करते हैं, 20 दिन से भी कम का समय तुम्हारे पास रह चुका है, एवरेज मान के चलो कि 20 डेज का टाइम अभी भी है तुम्हारे पास, ठीक है। टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो बिजनेस स्टडीज के CUET सिलेबस में मेंशन है। एक दिन पे एक चैप्टर पकड़ लो, डे एंड होने से पहले पहले उस चैप्टर की बुक रीडिंग तुम कर लो। NCERT को इग्नोर मत करना, खुद 200/200 स्कोर करते हो बिजनेस स्टडीज में, बड़ा भाई बोलते हो ना, अपनी तरफ से राइट डायरेक्शन दिखाना भी मेरा कर्तव्य बनता है। बट भैया एक बात बताओ, हमारे पास तो YouTube लेक्चर्स देखने का भी ऑप्शन है, क्या हम अभी इस टाइम पे YouTube लेक्चर्स पे डिपेंड कर सकते हैं। चलो फिर क्लोज क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्लास 12 में रेफरेंस बुक के साथ साथ तुम लोगों ने यूट्यूब वीडियोस भी तो देखी थी, और अब वापस अब CUET के लिए भी तुम यूट्यूब वीडियोस पे अपने टाइम कंज्यूम करोगे, वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट वाली चीज नहीं होगी। खुद सोच के देखो। चलो मैं ये बात मानता हूँ NCERT की लैंग्वेज ऊपर ऊपर से अगर पहली बार पढ़ने जाओगे तो समझ नहीं आएगी, तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुमको यूट्यूब वीडियोस देखनी ही है इतनी तो एक सर्टेन टॉपिक, अगर सपोज कोई ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो तुमको NCERT की लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करो, एंड देन उस रिलेटेड जो पास्ट ईयर वीडियोज आए ना, चाहे जितने भी ओल्ड हो चलेगा यार, कंसेप्ट सेम रहता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, कंसेप्ट चेंज नहीं होता है।
तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तुम यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, बट पूरे चैप्टर के लिए वापस से यूट्यूब पर रिलाय रहोगे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को अभी भी प्रायोरिटी देना मस्ट है। यूट्यूब वीडियोस मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के लिए। आखिरी दिन है, मेहनत कर लो। एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। अगर तुम लोगों के पास क्लास 12th एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ की नहीं पड़ी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक वेबसाइट की लिंक दे रखी है जहां से तुम पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाओगे। यस, लेटेस्ट एनसीईआरटी का एडिशन तुमको मिल जाएगा बिजनेस स्टडीज़ का, उसको वहां से डाउनलोड कर लो और डेली एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। 13 से आराम से हो जाएगा यार, अपने ऊपर बर्डन ज्यादा मत लेना। अब बात करते हैं किन किन टाइप के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल सकते हैं तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में। केस स्टडीज क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी आई है, सीयूईटी में भी तुमको देखने को मिलेंगी। मान के चलो तुम्हारे साइड में अराउंड 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन ही होते हैं जो टाइम वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और सीयूईटी की बात करें, मेजोरिटी लोगों का बिजनेस स्टडीज का पेपर छूटा है जिनको एक करेक्ट अप्रोच नहीं पता केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने का। बोर्ड में जिस तरीके से अटेम्प्ट करके आयो वो वाला अप्रोच सीयूईटी में नहीं चलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता देता हूँ केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है। देखो, केस स्टडी को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि तुम्हारे सेट में ना अराउंड टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और एक केस स्टडी होगी और उस केस स्टडी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस होंगे, बट वो 5-6 क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होंगे, वो 5-6 क्वेश्चन शफल करके दिए होंगे। मतलब कि मान के चलो उस केस स्टडी के साथ तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, फिर बीच में कहीं क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया, फिर कहीं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया, ऐसे करके शफलिंग हो रखी होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड 5-5 केस स्टडी वाले क्वेश्चन तुमको लाइन वाइज नहीं देखने को मिलेंगे। पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, केस स्टडी को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना और उस क्वेश्चन में जो पूछा गया हो उसके रेफरेंस में फिर केस स्टडी को पढ़ना। एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज केस स्टडी प्लानिंग चैप्टर से आई हुई है, ठीक है, और नीचे तुमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इस केस स्टडी में कौन सा प्लानिंग का स्टेप मिस हो गया या फिर कौन सा प्लानिंग का स्टेप हाईलाइट किया गया है, तुमको क्या ढूंढना पड़ेगा फिर? प्लानिंग का वो स्टेप, राइट। अब वापस केस स्टडी की तरफ जाओगे तो रेफरेंस तुमको एक लिंक बन जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन ये पूछा हुआ है तो मेरे को केस स्टडी में ढूंढना भी यही है। उसके बाद आंसर एक्यूरेट आने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑप्शंस भी होंगे ना यार। क्वेश्चन पहले पढ़ना है, देन उस क्वेश्चन से लिंक करके केस स्टडी में उसका आंसर ढूंढना है। जो तुमको ऑप्शंस गिवन होंगे उनसे मैच जरूर करेगा, बट लिंक बनाना पहले केस स्टडी पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हारे जो इनिशियल चैप्टर्स है ना, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फंक्शंस है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक सीक्वेंस होता है ना हर एक का कि प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं, स्टाफिंग के क्या स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग के क्या स्टेप्स हैं, कई लोगों को ना सीक्वेंस याद नहीं रहती। और सीयूईटी एग्जाम में तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे मेजोरिटी केस में तुमसे पूछ लेंगे इस प्लानिंग के स्टेप के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप आता है। तुम्हारी रेफरेंस बुक में क्या लिखा है उसको तो छोड़ ही दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अभी इस टाइम पे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन मैनेजमेंट फंक्शंस के स्टेप्स सीक्वेंस वाइज तुमको याद होने चाहिए, चाहे लिख लिख के डेली प्रैक्टिस करो ताकि तुमको ये रट जाए। क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में स्मार्टली चलोगे तब बेटर कॉम्पिटिटिव एज पे रहोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। बट उसी के साथ साथ इन मैनेजमेंट फंक्शंस के फीचर्स भी याद होने चाहिए। एनसीईआरटी के हिसाब से जब रीडिंग लेने बैठो तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना, चाहे पॉइंटर्स बना लेना ताकि तुमको बाद में एनसीईआरटी वापस खोल के ना देखनी पड़े, बट फीचर्स और स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। एंड यस, एक्रोनियम बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि हाँ भी सेबी की फुल फॉर्म क्या है, पर्ट की फुल फॉर्म क्या है, पेस्टल की फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनको भी साथ साथ नोट डाउन करते रहना, जो भी कोई शॉर्ट फॉर्म नजर आए उसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। बट भैया, तैयारी के बाद अब बताओ हम लोग फ्री में मॉक पेपर्स कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं?
तुम लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने सभी डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स के मेजोरिटी, अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, यस ये सारे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी रिलीज कर रखे हैं। ड्राइव लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, उस ड्राइव लिंक के जरिए सारे पेपर्स तुम एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को सिंगल पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितिन भाई अभी तुम लोगों ने टेस्ट दिखाया है उस टेस्ट पे तो हर वक्त खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। उस गूगल ड्राइव लिंक पे मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से सारे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। बट पहले सिलेबस कंप्लीट करना है तुमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तभी पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। क्योंकि अगर पहले पास्ट क्वेश्चन पेपर्स पे आ गए उनको सॉल्व करने की कोशिश करी तो स्कोर डाउन चला जाएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और फिर वापस प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो शायद यार देर बहुत ज्यादा हो जाएगी। अपना सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो। जो मैंने तुम लोगों को केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक दी है उसको माइंड में रखना, और साथ में जो मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि किन किन टाइप क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बिजनेस स्टडीज के, उनको ध्यान में रखना जब तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। तो जितनी भी बातें आज तुमको इस वीडियो में बताई है वो सारी बातें मैंने अपने टाइम पे इंप्लीमेंट करी थी, तभी 200 स्कोर किया है। अब जाओ जल्दी से इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। तुम लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम लोगों से उस वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। फिर वीडियो के लास्ट में आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आई होप, क्योंकि तुमको तो मैंने फ्री पास्ट क्वेश्चन पेपर्स इस वीडियो में भी प्रोवाइड कर ही दिए। हर वीडियो के एंड में क्या, इस वीडियो के एंड में से थोड़े से जरूर कर लो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक हैशटैग डाल देना, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसे जितिन कुमार सैनिक।